वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं SSC टीयर 1 का पेपर और ये पेपर अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न है। पेपर कोड है 1048। मैं जीके का सेक्शन करूंगी आपके साथ हिंदी मीडियम में। ये CHSL में आया हुआ पेपर है और ये 2016 में आया था, SSC ने दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, परंतु ये है कहाँ पर? ये लोकेटेड है असम में। आंसर बी है। Which Indian cricketer has not received the Arjun Award yet? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अभी तक अर्जुन अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है? अर्जुन अवार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है MS धोनी को। आंसर 27 का सी है। Which drug is used as a thyroid hormone? इनमें से वो कौन सी दवाई है जिसका एक थायरॉयड हार्मोन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है? वो है लेवोथायरोक्सिन। आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अ जीन? क्वेश्चन नंबर 29। आंसर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आंसर होगा ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल है। इट इज अ बायोपॉलीमर कंपोज्ड ऑफ 13 और मोर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ चेन। 29 विल बी सी। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है। आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है। ओके, मैंगनीज का 25 है, कोबाल्ट का 27 है, कैल्शियम का 20 है और क्रोमियम का 24 है। तो आंसर होगा यहाँ पर कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर होगा हमारा बी। 31. A series of instructions written by a programmer according to a given set of rules or convention is called. दिए गए नियमों या परंपरा के लिए दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। आंसर होगा ए। कुचिपुड़ी इज अ फोक डांसर ऑफ, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का डांस है? क्वेश्चन नंबर 32, ये आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। कुचिपुड़ी जो है ये वहीं से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम था कुचिपुड़ी, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ। 32 के लिए आंसर बी। 33 क्वेश्चन देखो। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम P1 टू 240 व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 8000 यूनिट्स टू 8400 यूनिट्स, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो -1.25। आपको P1 का पता लगाना है। आपको क्लियरली पता है कि जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है हमारी? ओके, डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई 8000 से 8400 ही, सो 400 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो कि 8000 है। दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो है 240 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और ये सारे का सारा हमें इक्वेट करना होगा। जो दिया गया है -1.25, ये है ना -1.25, इससे इक्वेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 250, P1 आएगा 250। आंसर है ए, 33 ए। An increase in price will, अगर मूल्य की वृद्धि होती है तो क्या होगा? मूल्य की वृद्धि से क्या होता है? मूल्य की वृद्धि होने से डिक्रीज होता है कंज्यूमर सरप्लस। आंसर 34 के लिए बी है। 35. Which of the following is a greenhouse gas or a gas which can deplete the ozone layer? इनमें से कौन सी है ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस ये है, क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। आंसर होगा सी।
विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन बैंक, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है, इनमें से HSBC जो है ये भारतीय बैंक नहीं है. ओके ये हांगकांग एंड शंघाई बैंक है. ओके अब ये HSBC जो है ये ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होल्डिंग कंपनी है और इसका जो ओरिजिन है वो हांगकांग से है. तो 36 के लिए आंसर डी. डैश और कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इन्हें मॉनसूनी वन भी कहा जाता है. किसे हम मॉनसूनी वन भी कहते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को. क्वेश्चन 37 आंसर जो है वो बी है. पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ, पटना कहाँ की राजधानी है? पटना जो है वो बिहार की राजधानी है. 38 सी. गांधी इरविन पैक्ट हैपेंड इन विच ईयर, गांधी इरविन समझौता किस साल हुआ था? ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए. ये हुआ था 1931 में, ये हमारा आंसर है बी. ओके ये अग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन March 5, 1931, ये साल था. और गांधी जी और इरविन जो कि उस समय ब्रिटिश वायसराय थे उनके बीच में ये साइन हुआ था और इससे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी ने वो खत्म किया था. आंसर बी. In 1739, who defeated the Mughal army at the Battle of Karnal? Question number 40. Nadir Shah. Nadir Shah ने defeat किया था. Answer होगा A. Battle of Karnal जो है एक important battle था और इसमें Nadir Shah ने उस time में जो emperor थे मोहम्मद शाह उनको defeat किया था. 40th answer A. Who invented LCD projector? 41. LCD projector की खोज किसने की है? LCD projector की खोज की है जीन डॉलगॉफ ने. आंसर 41 will be A. 42. A cannon ball is fired. The motion of this ball is an example of. एक cannon ball को fire किया जाता है. Motion of this ball is an example of. ये किस चीज का example है? ये projectile motion का example है. B हमारा answer होगा. प्रोजेक्टाइल मोशन अकर होता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फायर्ड एट सम इनिशियल वेलोसिटी और ड्रॉप्ड एंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. 42 के लिए आंसर बी. What is the unit of the physical quantity magnetic flux? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन 43. आंसर होगा वेबर. ओके फराड जो है ये SI यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, टेस्ला डिराइव्ड यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का और हेनरी SI डिराइव्ड यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का. 43 के लिए आंसर जो है हमारा बी है. 44. The Panchayati Raj was first adopted by which of the following states? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज अपनाया था? 44. आंसर होगा राजस्थान. राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां पर ये फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था. 2 अक्टूबर को किया गया था 1959 में. आंसर बी है 44 बी. 45. According to our constitution, India is, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है, पूंजीवादी राष्ट्र है या फिर धनिक तांत्रिक राष्ट्र है. तो हमारे संविधान के अनुसार हम कैसा देश हैं? हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं. 45 के लिए आंसर बी. Which of these sports generally has the shortest match duration? इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय होता है, सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा? कौन सा खेल है वो? कबड्डी. ओके कबड्डी में क्या होता है, टोटल 40 मिनट का गेम होता है ये, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 20-20 मिनट का और बीच में एक इंटरवल होता है 5 मिनट का. तो आंसर हमारा ए है. ओके क्वेश्चन नंबर 46 ए इज द आंसर. Who is the author of The Inheritance of Laws? ये पुस्तक है The Inheritance of Laws, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है. Question 47. लेखक जो है वो है किरण देसाई. आंसर होगा डी. Vertebrates belong to the phylum. रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं. ये आते हैं कोरडाटा के अंतर्गत. आंसर डी है. Vertebrates belong to the phylum Chordata. What is washing soda? धोने का सोडा क्या है? Question 49. ये है सोडियम कार्बोनेट. ओके फॉर्मूला क्या है इसका? Na2CO3. ये इसका फॉर्मूला है. 50. Dash is the movement of chemical in the upper layers of soil into lower layers or into groundwater by being dissolved in water. Question number 50.
ये जो प्रक्रिया है इसको हम लीचिंग कहते हैं। ओके, अब इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिससे कि वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल। सैलिनाइजेशन में सॉइल में सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। और तो आंसर यहाँ पर है हमारा डी, लीचिंग। ये अंतिम प्रश्न था। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।